आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पेट के लिए गैस, अफारा, पेट फूलना जैसी बीमारियों के लिए हमारी दादी नानियाँ हमें क्या देती थीं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सिंपल सा घरेलू सामान से ही पानी बनता है। पहले के ज़माने में गोलियाँ नहीं हुआ करती थीं, आजकल ऐसा क्या हो गया है? गैस की, पेट की बीमारी से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर सुबह सुबह खाली पेट दवाइयाँ लेने के लिए बता देते हैं। तो आज मैं ये पे आपको बताऊंगी पुराने ज़माने के तरीके से। ये पानी पीकर आपको बहुत मज़ा आएगा और सबसे बड़ी बात है कि आपके पेट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, खाना डायरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए ये पेय जो हमने आपको बताया है यूनिक सा, उसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक गिलास पानी लेंगे और इस पानी को हम गर्म करेंगे। मैं ये कोई देखी दिखाई या फिर सुनी सुनाई बातें आपको शेयर नहीं कर रही हूँ। हम जब छोटे थे तो हमारी दादी नानियाँ ये सब चीज़ें बनाया करती थी, वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। आप यदि एक आदमी के लिए बना रहे हैं तो आपको एक गिलास ही पानी लेना है और इसे आपको अच्छे से गर्म करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा पानी गर्म होने लगा है। आपके घर में जीरा तो होता ही है, मसालेदाने में होता है जो हम मसालों में यूज करते हैं, बस वही सिंपल सा जीरा हमें चाहिए। उसी जीरे के साथ मैं आपको ये रेसिपी बनाने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। तो अब यहाँ पे पानी में उबाल अच्छे से आ गया है तो अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा। सिंपल सी खाने की चम्मच है, उसी चम्मच से यहाँ पे हमें जीरा को डालना है और इसे हम पानी के साथ अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखना है। आप हाई रखेंगे तो पानी आपका जल जाएगा और काढ़ा थोड़ा सा हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि या तो आप लो टू मीडियम रखें या फिर आप बिल्कुल स्लो कर दें गैस को और इसे आराम से 3 से 4 मिनट तक पकने दें ताकि जीरे का जितना भी तत्व है वो पानी के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है जीरे के साथ। एक बार और इसे बीच में चला दें और अभी इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि ये पकते हुए 2 मिनट हो चुका है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो मैं आपको पेय बता रही हूँ, आप बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे किसी को भी दे सकते हैं। पीने में भी टेस्टी लगता है और आप इसे रूटीन में लाएंगे कम से कम 10 से 15 दिन के लिए तो आपकी सारी पेट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और पीने से तो आपको तत्काल आराम मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुका है, इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है। गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर दिया था तो अब इसे हम नीचे उतार लेंगे, यानी कि गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे हम ढक करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। अभी ये गर्म तो है पर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो अब इसे हम एक गिलास में छान लेंगे और जीरे ने अपना सारा तेल इसमें छोड़ दिया है, यानी कि जो भी इसमें क्वांटिटी है वो पानी के अंदर आ गया है। तो अब इसे हम छान करके और इसका पानी तैयार कर लेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब इस पानी को चटपटा सा टेस्टी बनाने के लिए आधा नींबू लेंगे और हम इसे ग्लास में निचोड़ लेंगे, यानी कि नींबू का जूस हम इसमें निकाल देंगे। यदि आप नींबू नहीं खाते हैं, आपको एलर्जी है या फिर आपको नहीं पसंद है तो आप नींबू स्किप कर दें। यदि नहीं पसंद है तो 1-2 बूंद आप डाल सकते हैं क्योंकि नींबू से थोड़ा सा टेस्टी लगता है। और अब हम इसमें इस पानी को डाल देंगे। नमक के साथ भी आप इसे पियेंगे तो ये फ़ायदा करेगा और टेस्टी लगेगा। तो अब हमें इसमें ऐड करना है अपने स्वाद अनुसार नमक। नमक आपको
सब्जी या फिर दाल वाला ऐड नहीं करना है। आपको यहाँ पे काला नमक डालना है या फिर आप इसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। तो ये सुपर टेस्टी सा पानी बनके और तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कभी भी आपके पेट में जलन हो रहा हो, पेट फूला हो या फिर अफारा हो या गैस हो, तो आप इस पानी को इजली बना करके और पी सकते हैं। ये आपको तत्काल आराम देगा। अब बारी आती है पीना कब है, तो आप इसे दिन में भी पी सकते हैं, लेकिन आप रात में पियेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सा जीरा वेस्ट हो गया, तो नहीं, आप इसे दोबारा भी बना सकते हैं या फिर इसे सब्जी दाल में आप यूज कर सकते हैं या फिर इसे सुखा भी सकते हैं।